अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में 25 वर्षीय युवती की संदिग्ध हत्या को लेकर तनाव व्याप्त है। हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने खारसांग थाने के बाहर प्रदर्शन किया और उग्र भीड़ ने दो पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि 7 मार्च से लापता युवती का शव संदिग्ध अवस्था में कल पाया गया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और दो वाहनों को आग लगा दी। आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। गुस्साए भीड़ ने थाने का घेराव कर दोनों आरोपियों को उनके हवाले करने की मांग की है, लेकिन जब पुलिस ने इससे इनकार कर दिया तब उग्र भीड़ ने थाने परिसर में खड़े दो वाहनों को आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद स्थानीय विधायक सामलुंग मोसांग थाना पहुंचे और लोगों को शांत करने की कोशिश की। हालांकि अतिरिक्त जिला उपायुक्त सनी कुमार सिंह द्वारा लिखित में दिए गए आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और स्थिति नियंत्रित की गई। एडीसी ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की तेजी से कार्रवाई होगी और पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त अरुणाचल के चांगलांग जिले से, जहां 25 वर्षीय युवती 7 मार्च से लापता हो गई थी और फिर कल संदिग्ध अवस्था में उसका शव बरामद किया गया। इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर वहां बाहर खड़े दो वाहनों को आग भी लगा दी। आरोप लगाया जा रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। काफी संगीन आरोप लगाया जा रहा है इस वक्त। और इस बीच पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन स्थानीय लोग, जो गुस्साई भीड़ थी, उसने थाने का घेराव कर ये मांग की है कि इन आरोपियों को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बात को भीड़ ने अच्छी तरह से नहीं लिया और उग्र भीड़ ने थाने परिसर में खड़े दो वाहनों को आग लगा दी। पुलिस थाने का घेराव कर लिया, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक सामलुंग मोसांग थाना पहुंचे और उन्होंने लोगों को शांत करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अतिरिक्त जिला उपायुक्त सनी कुमार सिंह द्वारा लिखित में दिए गए आश्वासन के बाद ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ और स्थिति नियंत्रित की गई। एडीसी ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले की तेजी से कार्रवाई होगी और पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच SIT द्वारा कराई जाएगी और 60 दिनों के भीतर ही कार्रवाई कर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। इसके अलावा मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। साथ ही अगर मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गत 7 मार्च से चांगलांग जिले के एक चाय बगान से 25 वर्षीय युवती लापता थी, जिसके बाद उसका शव कल पाया गया है। पुलिस का संदेह है कि युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस ने संदेह जताया है कि चाय बगान के कर्मियों में से ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। हिरासत में लिए दोनों लोगों से पूछताछ जारी है। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता डिब्रूगढ़ से रिपुंजय दास के साथ। जी रिपुंजय, एक काफी गंभीर मामला सामने आया है, लोगों में भी काफी गुस्सा है और युवती जिसका शव मिला है, 25 वर्षीय युवती, उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने जैसा आरोप है। तो क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को और क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस मामले पर? मनुष्मिता, देखिए ये मामला जो है अभी फिलहाल के लिए थोड़ा शांत पड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे खारसांग इलाके में, मियाओ इलाके में, जो कि चांगलांग जिले के अंतर्गत है अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ खासा तनाव अभी भी बरकरार है। क्योंकि जो ये युवती का जो शव मिला है, ये भी बहुत हाईली डिकम्पोज स्टेट में मिला है और ये जो बात है वो लोगों में पचा नहीं और लोग जो है अभी भी गुस्साए हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जो उनको आश्वासन दिया गया है लिखित तरीके से, खास तरीके से पूरा मामले का इन्वेस्टिगेशन जो है अभी SIT द्वारा, ईटानगर के SIT द्वारा किया जाएगा और इसको तुरंत खारसांग पुलिस स्टेशन से SIT को सौंप दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद लोगों में जो गुस्सा है वो थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, लेकिन और भी कुछ मामले हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको डाला जाएगा केस को, जो परिवार है पीड़िता के, उनको
सटीक मुआवजा मिलेगा और कुछ ऐसी बातें जो है आश्वासन दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, इसके चलते ही लोगों में थोड़ा गुस्सा कम हुआ है, लेकिन पूरा जो तनाव जो है उस इलाके में अभी भी बरकरार है। मनस्मिता जी रिपुंजी, जैसा कि आपने बताया जिला प्रशासन की ओर से जो आश्वासन दिया गया है उसके बाद गुस्साए लोग किसी तरह शांत हुए, तो क्या पीड़िता युवती के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पुलिस ने निस्संदेह पोस्टमार्टम करवाई होगी, तो उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आया है? मनस्मिता, ये जो हाईली डिकम्पोज्ड बॉडी है इसका केवल अवशेष ही मिला है और इसको पुलिस ने संरक्षण किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉरेंसिक टेस्ट भी होंगे और कुछ ऑटोप्सी और कुछ फॉर्मेलिटीज पुलिस के साथ बाकी है, उसके बाद ही परिवार को ये हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है पुलिस के साथ है और ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि जैसे SIT को ये सौंप दिया जाएगा खरसांग पुलिस द्वारा, तो इसका पूरा जो दस्तावेज जितने एविडेंस अभी तक पुलिस के पास है सारे SIT टेक ओवर करेगा। तो और इसका जो और एक चीज़ है मनस्मिता, मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाएगा और जो चार्जशीट है पुलिस का वो within 60 days तैयार होगा, ऐसा लिखित आश्वासन दिया गया है प्रशासन द्वारा लोगों को। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। अभी देखना ये है प्रशासन का जो ये आश्वासन है लोगों का, उनका जो लिखित एश्योरेंस है ये कितना दूर सही मायने में इसका मोल रहता है, ना आने वाले दिनों में इसका भी फिर इसको अलग सलग पड़ जाता है, ये आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। मनस्मिता जी रिपुंजय, और जैसा कि आपने बताया SIT को जांच मामले की जांच सौंप दी गई है और इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, सही बात है। और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से कुछ बयान सामने आया है इस वक्त, उनका क्या कहना है इस पूरे घटना के बारे में? मनस्मिता, परिवार जो है परिवार बहुत ही अभी शोक में है, क्योंकि उनका जो ये लड़की गुम हुआ था 7 मार्च को, 20 दिन से ज़्यादा हो गया पुलिस के बाद, इन्होंने 11 मार्च को इन्होंने लिखित कॉम्प्लेन भी दिया था जिसके अनुसार मिसिंग एंट्री दर्ज किया गया था खरसांग पुलिस स्टेशन में। उसके बाद से चारों तरफ जिसके परिवार का और वहाँ के लोगों का यही आरोप है कि पुलिस को जिस तरीके से, जिस त्वरित गति से इस मामले की छानबीन करना चाहिए था, खोज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसके चलते जो दुष्कृतिकारी है, जो क्रिमिनल्स है, उनको मौका मिल गया इसको युवती के ऊपर शायद यौन उत्पीड़न हुआ हो, शायद उनके ऊपर रेप हुआ हो और उनका मर्डर किया गया हो। तो ये शायद सब कुछ एलिगेशन है, ये सामने आएगा प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जो साइंटिफिक जांच पड़ताल है।